इस वीडियो का टॉपिक है एडिंग डेसिमल्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन। डेसिमल नंबर्स को ऐड करना सीखना है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस को इस्तेमाल करते हुए। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन से क्या मुराद है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों क्या होते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर मिसाल के तौर पे आपके पास एक नंबर है 0.6 प्लस 0.3 तो ये इक्वल होगा किसके? 0.3 प्लस 0.6 के। यानी इस प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर नंबर्स को जमा कर रहे हों तो उन नंबर्स की जगह तब्दील करने से जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर कोई भी तीन नंबर्स हों, मिसाल के तौर पे 2.3 प्लस 0.5 प्लस 0.1 इस तरह से हों, ब्रैकेट का मतलब है कि इन दोनों को पहले जमा करना है। तो अगर पहले 0.5 प्लस 0.1 करें और उस जवाब में इसको जमा करें तो जवाब सेम आएगा अगर हम पहले 2.3 प्लस 0.5 यानी पहले वाले दोनों नंबर्स को जमा करें और उस जवाब में आखिरी वाले नंबर को जमा करें तो इन दोनों सूरतों में जवाब बराबर आएगा। तो इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आज हमने डेसिमल नंबर्स को ऐड करते वक्त इन प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करना है। एक मिसाल ले लेते हैं 5.6 एक डेसिमल नंबर है, इसको हम जमा कर रहे हैं 7.22 प्लस 4.3 ये तीन डेसिमल नंबर्स हैं जिनको हमने जमा करना है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने दो दो नंबर्स करके जमा करने हैं तो सबसे पहले इन दो को क्योंकि लेफ़्ट साइड से हम जमा करना शुरू करते हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ फिर उस जवाब में इसको जमा करना है। लेकिन अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे जो 7.22 है इसमें पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद दो हैं जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद डिजिट की तादाद एक है और यहाँ पे भी एक ही है। तो इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं? हम पहले एक डिजिट्स वालों को आपस में जमा कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? 5.6 प्लस 7.22 और 4.3 इन दोनों की हमें जगह तब्दील करनी होगी। 4.3 को पहले लिखेंगे और 7.22 को बाद में लिखेंगे 7.22। तो यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब इन दोनों को पहले जमा कर लेंगे 5.6 और 4.3 को। यहाँ पे रफ पे करके देख लेते हैं 5.6 4.3 इन दोनों को जमा करना है। 6 प्लस 3 9 आ जाएगा और 5 प्लस 4 9 आ जाएगा। तो इन दोनों को जमा किया तो हमारे पास जवाब आया 9.9। फिर ये प्लस का निशान ऐसे आ जाएगा प्लस 7.22। अब इस जवाब में 7.22 को जमा करना है। इनको जमा करने के लिए पॉइंट के बाद डिजिट्स का सेम करना ज़रूरी है। तो 9.9 को हम लिख सकते हैं 9.90 क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं और यहाँ एक डिजिट, इसको दो बनाने के लिए हमने एक ज़ीरो का इजाफा किया प्लस 7.22 एज इट इज़ आ जाएगा। अब इसको जमा करके लिखते हैं
9.90, यहाँ पे रफ पे जमा करके देख लेते हैं, 9.90 में जमा करना है 7.22 को, 2 + 0 2 आ जाएगा, 9 + 2 11 आ जाएगा, तो 1 लिखेंगे और 1 कैरी ले जाएंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, और 9 + 1 10 और 10 + 7 17 आ जाएगा। तो इसका मतलब, इसका क्या जवाब आया, 17.12, ये हमारा जवाब आया। एक और एग्जांपल देखते हैं, 645.438 + 6.3 + 33.7। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर मौजूद नंबर्स को हमेशा पहले प्लस करना होता है, उसके बाद उस जवाब को ब्रैकेट के बाहर वाले के साथ। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने इस पार्ट को पहले सॉल्व करना है ब्रैकेट वालों को। अगर हम देखें तो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, इधर भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट ही है। तो अगर हम ब्रैकेट्स की जगह तब्दील कर दें, यानी हम इसको दोबारा अगर इस तरह से लिखें, 645.438 और इसको प्लस 6.3 + 33.7। तो अब ब्रैकेट की जगह तब्दील करके आखिरी दो नंबर्स के साथ लगा दें, तब भी जवाब पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो 645.438 इसको एज इट इज लिख लेंगे, प्लस, अब इन दोनों को हमने आपस में प्लस करना है, तो यहाँ पे रफ वर्क कर लेती हूँ, 6.3 इसमें प्लस करना है 33.7 को, तो हमेशा यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, 7 + 3 क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 0 लगाएंगे, 1 कैरी ले जाएंगे, पॉइंट की जगह पॉइंट आ जाएगा, 6 + 1 7 7 + 3 10 0 लगाया, 1 कैरी ले गए, और 3 + 1 4 आ जाएगा, तो ये आ गया 40.0। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 40.0। अब इन दोनों को ऐड करना है, यहाँ पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं जबकि यहाँ पे 1 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद डिजिट्स की तादाद सेम करने के लिए यहाँ पे हम 2 और ज़ीरोस बढ़ा देते हैं, तो ये बन गया 40.000। अब इनको आपस में ऐड करेंगे, यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, 645.438 इसमें हमने जमा करना है 40.000 को, 0 0 0 पॉइंट के साथ पॉइंट, और यहाँ पे 40 आ जाएगा। अब 8 एज इट इज़ नीचे आ गया, 8 + 0 8 3 + 0 3 4 + 0 4 और पॉइंट भी ऐसे आ गया, 5 + 0 5 आ जाएगा, 4 + 4 8 और 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, इसलिए 6 एज इट इज़ आ जाएगा। तो इनको जमा किया तो हमारा आंसर आया 685.438। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल कर लिया। आज हमने सीखा एडिंग डेसिमल्स यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस के बारे में।